اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں السلام علیکم میں ہوں آپ کا میزبان مراد علی شاہ میں اپنے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام دیکھنے کا سبسکرائب کرنے کا شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بنائیں گے دہی والا مٹن मटन 1 किलो और ये उसके बाकी मसाले गरम मसाला काली मिर्ची कुटी हुई लाल मिर्ची साबित धनिया साबित जीरा नमक लहसुन अदरक हरी मिर्ची दही 1/2 किलो इन सब चीज़ों को मिला दें दही वाला मटन का सालन बना दें दिखाते हैं आपको 3 से 4 मिनट गोश्त को धोएंगे गर्म पानी से इसमें खून और मटन में बहुत ज़्यादा स्मेल होते हैं और जो जरासीम होते हैं वो सब के सब साफ हो जाते हैं धोते हैं और फिर धोएंगे ताज़ा पानी से ये जी गोश्त साफ हो गए निकालते हैं बाप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम देखें आप बोटी को कितना बेहतरीन सफ़ेद हो गया आप भी धोया करें अपने आप को और अपने बच्चों को बीमारी से बचाया करें शुक्रिया ये जी गोश्त गर्म पानी से निकाल दिया धोते हैं ताज़ा पानी से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह कितना बेहतरीन साफ हो गया आप भी धोया करें अपने आप को और अपने बच्चों को बीमारी से बचाया करें शुक्रिया ये जी घी हमने रख दिया डालते हैं गोश्त को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम साथ में डालेंगे पानी तकरीबन 1 कप बड़ा वाला नमक डालते हैं अजबे का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पंद्रह से 20 मिनट के लिए ढक्कन बंद करेंगे दरमियानी आंच पे लगाएंगे और 15 से 20 मिनट के बाद दिखाते हैं आपको ये जी 20 मिनट पहले हमने ढक्कन रखा हुआ था हटा के देखते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह पानी सूख गया मिलाते हैं साथ में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये पानी सूख गया और कम से कम इसमें 10 मिनट इसको रखेंगे घी में और फ्राई करेंगे उसके बाद दही डालेंगे दिखाते हैं आपको ये जी 10 मिनट हमने इसको फ्राई कर लिया घी में ये देखें आप कलर देखें बिल्कुल गोल्डन हो गया आपने बिल्कुल इसी तरीके से करने इसके साथ मटन का गोश्त बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब पकता है इस टाइम पर डालते दही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम साथ में डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट ढक्कन रखेंगे जब तक ये दही अपना पानी खुश कर देता है फिर दिखाते हैं आपको ये जी दही डालने के बाद 15 मिनट के लिए हमने ढक्कन रखा होता
हटा के देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह, दही ने पानी सुखा दिया। देखें 15-20 मिनट लग जाते हैं। चूल्हा कम करेंगे थोड़ा सा, डालते हैं मसाले इस टाइम पे, कुटी हुई काली मिर्ची। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक चुटकी साबित ज़ीरा, साबित धनिया, एक चुटकी गरम मसाला, आधे चम्मच से कम कुटी हुई मिर्ची, मिलाते हैं साथ में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, डालते हैं प्लेट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, टाइम पर डालेंगे अदरक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हरी मिर्ची, खीरा, टमाटर, और रखेंगे टमाटर वाला फूल। अल्हम्दुलिल्लाह, दही वाला मटन बन गया। आप भी बनाएं इसी तरीके से, इसी मसालों में। इंशाल्लाह आपका दही मटन का सालन लाजवाब होगा। अल्लाह आपका नसीब करे प्रोग्राम देखने का। शुक्रिया। हमारे प्रोग्राम का टाइम यहीं तक था। अभी हम आपसे चाहेंगे इजाज़त। अपना ख्याल रखें, अपने पड़ोस का ख्याल रखें, अपने बुज़ुर्गों और बच्चों का ख्याल रखें, और हमें अपने दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।